अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में इस कार्ड ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कब होगा, ये ऑर्थोगोनल ये होगा कि अगर इसमें से मैं कोई सा भी पेयर लूँ ना, मतलब यू वन और यू थ्री ले लूँ, यू टू और यू सेवन ले लूँ, यू टू और यू थ्री ले लूँ, यू वन और यू आर ले लूँ, कोई भी वेक्टर्स का मैं प्रोडक्ट लूँ तो आंसर ज़ीरो आए, तो इसको कहेंगे कि ये सेट जो है वो ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होगा कि आपने फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स लिए, उसका सेट बना लिया, वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स लेके इनका सेट बना लिया। अब ये सेट बेसिकली ऑर्थोगोनल कब होगा, अगर मैं इसमें से किसी के भी कोई से भी दो ले लूँ, हर एक का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो ही आना चाहिए, मतलब यू वन यू टू यू वन यू सेवन यू टू यू फाइव यू फाइव यू हंड्रेड, आर का मतलब है कि ये चलता जा रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, आर की जगह थाउजेंड भी हो सकते हैं, टू थाउजेंड, जितने मर्जी आप वेक्टर ले लें, अगर तो वो सारों का आपस में इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यू आई और यू जे इनर प्रोडक्ट लूँ और वो आ जाए ज़ीरो, मतलब आई और जे का मतलब है मैं कोई भी वैल्यूज रख सकता हूँ, वन टू फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड टू हंड्रेड थर्टी फिफ्टी कुछ भी नंबर रखें, अगर तो इन आई और जे की वेरिएशन मैं देता जाऊँ और आंसर मेरे पास आ जाए ज़ीरो के इक्वल, फोर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब इन दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो मैंने पढ़ा है कि ये ज़ीरो आ जाता है। ठीक है ना, तो इनके सेम होने के अलावा हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, आई जे जब सेम होंगे तो वो बेसिकली ज़ीरो आ जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो होंगे, मतलब ये बराबर ना हो और ये आंसर ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स आपके पास क्या हैं जी, ऑर्थोगोनल हैं। सिमिलरली ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब इसी की एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल में ये होता है जी, पहली कंडीशन तो ऑर्थोगोनल वाली है, ऑर्थो यू आई और यू जे। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ज़ीरो फोर आई इज नॉट इक्वल टू जे और आई इज इक्वल टू जे वन। अच्छा जी, इसको सिंपल वर्डिंग में हम ये कहते हैं कि जी हम वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल कब होते हैं, जब आपके पास बेसिकली इसमें ये की चीज़ होगी कि आप पहले यू आई और यू जे ऑर्थोगोनल हों, मतलब ऑर्थोगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब उसकी आप प्रोडक्ट ले लें, इनर प्रोडक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल इनर प्रोडक्ट लेके आपके पास आंसर आ जाता है जी, जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको उसकी नॉर्म पर डिवाइड करवा दें, नॉर्म पर डिवाइड करवाएंगे तो वो बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, आपके पास ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन तो यही है कि वो ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि आई नॉट इक्वल टू जे के लिए आंसर ज़ीरो आ रहा हो, और दूसरी ये है कि आई और जे जब इक्वल हो तो इसका आंसर वन आए। वन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल सेट दिया हुआ है लेकिन वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए उसको उसकी नॉर्म पे डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, जब नॉर्म पे डिवाइड करवाते हैं तो बेसिकली जिस तरह यूनिट वैक्टर के केस में अगर हमने यूनिट वैक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना कि उस वैक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करवा दें तो वो यूनिट वैक्टर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये यूनिट वैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि ऑर्थोनॉर्मल बना देना आपने, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि उसको उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करके उसको चेक करें। फॉर एग्जाम्पल चलें मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास वैक्टर्स हैं, ई वन है वन ज़ीरो ज़ीरो, ये आर थ्री के मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ, ज़ीरो वन ज़ीरो टू, ए थ्री मेरे पास है जी ज़ीरो ज़ीरो वन, लेट्स बोल ये तीन वेक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूजुअल बेसिस ऑफ आर थ्री, ये आर थ्री की यूजुअल बेसिस हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से हैं मैं चेक करते हैं जी, अगर यूक्लिडियन स्पेस मतलब नॉर्मल, आपको कोई कंडीशन नहीं दी हुई, आपने इनर प्रोडक्ट नॉर्मल जिस तरह डॉट प्रोडक्ट होता है वो वाला ही हमने लगाना है, तो हम देखते हैं किस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि ये बेसिकली ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। ऑर्थोगोनल के लिए ई वन ई टू ई वन ई थ्री ई टू ई थ्री, ठीक है, और भी आप सारे पेयर्स चेक कर लें, ई वन ई टू ई वन ई थ्री ई टू ई थ्री, फिर ई वन ई वन E1, E1,
ठीक है, इनर प्रोडक्ट्स निकालने हैं आपने सारे, ठीक है। E2, E2, E3, E3, ठीक है। अब ये सारी मैंने चेक कर लेनी है, ये सारी वैल्यूज जब मैं निकालूंगा E1, E2, E2, E1, E3, E2, E3, ठीक है। चूंकि मुझे पता है E3 और E2 का आंसर सेम आना है, चूंकि सिमेट्री होते हैं, तो इसलिए मुझे सिर्फ ये एक साइड निकाल लीजिए, 1, 2 से, और 2, 1 से निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर 1, 3 से निकाल लिया तो 3, 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इन सबको चेक कर लूँगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है इन तीनों से, ठीक है। E1, E2, हाँ जी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 0। इसको इससे करेंगे तो ये भी 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसका मतलब है ये तो 0 है। E1, E3, E1 और E3, हाँ जी, 1 को जब 0 से करेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0, तो ये भी आ गया 0, हाँ जी। E3, E2 और E3, हाँ जी, 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 1 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0, तो इसका मतलब है कि ये, इससे हमें ये आइडिया हो गया कि जब I और J मैंने डिफरेंट रखे, I और J डिफरेंट थे और सारे वेक्टर्स मैंने देख लिए, तीनों दिए हुए थे ना, तो तीनों का जो पेयर पॉसिबल बन सकता है वो यही है, 1, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। आप 3, 2 भी आप बनाएंगे तो वो 2, 3 और 3, 2 एक ही चीज़ है, ठीक है। 1, 3 और 3, 1 भी एक है, मतलब एक आप रख लें सिमेट्री, आपको बाकी तीन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये चेक किया कि जब मैंने आई और जे डिफरेंट रखे, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। अब ऑर्थोनॉर्मलिटी के लिए मुझे क्या करना है जी, ऑर्थोनॉर्मलिटी के लिए मुझे ये चेक करना है, आई जब जे इक्वल ना हो तो आंसर 0 आए, पहली कंडीशन तो यही वाली है, ये इसका मतलब है ऑर्थोनॉर्मल की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और फिर वो कहता है जब दोनों इक्वल होंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जब दोनों वेक्टर्स को इक्वल कर दिया, E1, E1, E2, E2, E3, E3, जब इक्वल कर दिया तो हम देखते हैं आंसर 1 आता है कि नहीं आता। इसको इसी से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। कैसे आएगा, 1, 0, 0 और दूसरा जो है 1, 0, 0, तो जब मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1, 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0, बाकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 या 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो इसका मतलब है, मतलब जब इसको इससे करेंगे तो वो I1 जब 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों भी 1 1 आ गए, तो इसका मतलब है कि ये वाले वेक्टर्स जो हैं, जो मैंने ये लिखे हैं, ये तीनों ऑर्थोगोनल भी हैं, ऑर्थोनॉर्मल भी हैं। ऑर्थोनॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसकी आपके पास जो है वो इनर प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 1 भी आ रहा है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी नॉर्म भी बेसिकली 1 है, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम कहते हैं कि जी ये आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मतलब कि ये ऑर्थोनॉर्मल है जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास 3 वेक्टर्स दिए थे, U1, U2 एंड U3। अब ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये जो है U1, U2 और U3, ये ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। द रीडर कैन वेरीफाइड वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, किस तरह वेरीफाई करना है ऑर्थोगोनल के लिए, U1, U2 निकालें, U1, U3 निकालें, U2, U3 निकालें, अगर तीनों का आंसर 0 आता है तो ये ऑर्थोगोनल होंगे, और ये यहाँ पर उसने बता दिया कि हैं। अगर ऑर्थोगोनल हों तो हम कह सकते हैं कि वैक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपने लीनियर इंडिपेंडेंट जो पीछे आपने पढ़ा था वो उस तरह से चेक करने के बजाय आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, कि ऑर्थोगोनल होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। ये एक रिज़ल्ट है जो आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एक रिज़ल्ट है, ये एक रिज़ल्ट हम करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ, ये आप लोगों ने एग्जांपल खुद से देखनी है। फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर W, आपने एक वेक्टर W फाइंड करना है डैट इज ऑर्थोगोनल टू दिस एंड दिस, ऑर्थोगोनल हो इसके और इसका, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने जो वेक्टर फाइंड करना है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इनर प्रोडक्ट अगर मैं इसके साथ लूँ तब भी 0 आए, और अगर मैं इसके साथ लूँ तब भी आंसर 0 आए, ठीक है। मतलब ये कि मेरे पास जो मैंने वेक्टर निकालना है, लेट्स सपोज मैं उसको कह देता हूँ वो W है, ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ XYZ का, ठीक है। मैंने बेसिकली एक वेक्टर निकालना है, फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर W मैंने निकालना है जिसको मैंने नाम दे दिया W का। अब उसकी कंडीशन ये है कि उसका इसके साथ और इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, ऑर्थोगोनल है ना, तो उसका मतलब है W का और U1 का, W का और U2 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इसीलिए तो ऑर्थोगोनल होगा ना। तो यही काम किया है उसने, किया लेट WXY, we want to find, अब ये देखें उसने U1 का और W का और U2 और W का इनर प्रोडक्ट बेसिकली इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है।
अब जब इस U1 और W का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो आपके पास ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। ये कैसे आएगी जी? हाँ जी, U1 मेरे पास है 1, 2, 1, और W जो है वो मेरे पास है X, Y, Z। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही है ना, X+2Y+Z, और इक्वल इसको रखना है जीरो के। क्यों इक्वल टू जीरो रखना है? क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑर्थोगोनल है। तो ये देखें, ये पहली इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। सिमिलरली दूसरा, आप जब U2 यहाँ पे रख देंगे, U2 और W का निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, अब देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन या तीन अननोन्स हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो जब आपके पास अननोन ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हों, तो फिर आपके पास चांस होता है कि आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब एक्स वाई जी की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जी यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे वेक्टर्स होंगे जिस जो आपके पास इसके साथ जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने देखें सेट कर दी जी की वैल्यू, उसने इनफाइनाइट करने के बजाय ये देखें फिर इसको आपने पहले गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये एक्स ख़त्म कर दिया, टू से मल्टीप्लाई करके ना इसमें से माइनस कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई करके आपने ये ऑपरेशन लगाना है जी, R2 माइनस 2R1, ये आपने लगाना है ऑपरेशन, ठीक है। R2 माइनस 2R1, मतलब R2 में चेंज करना है ना, तो पहले आएगा R2 माइनस 2R1, जब आप करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको सॉल्व करना है, तो वो बेसिकली यहाँ से आप और सॉल्व नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे बेसिकली इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन आएंगे, मतलब आपको Z की जगह पे कोई वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल T कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपने एक्स वाई और जी दोनों को टी की फॉर्म में लिख के आपके पास बेसिकली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वाई को भी लेट करना, वाई को जब आप जी को जब आपने कर लिया ना यहाँ पे टी, तो वाई भी इन टर्म ऑफ टी आ जाएगा। तो ये एक्स जी और वाई टी में चले गए, तो यहाँ से एक्स भी टी में चला जाएगा, ठीक है। तो उस टी की वैल्यू उसने बेसिकली 1 रख दी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ भी वैल्यू रख सकते थे, जर्नल भी आप निकाल सकते थे। तो आप जर्नल निकालने के बजाय उसने ना एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर ली। वो कहता है हेयर जी इज़ फ्री, 1 फ्री वेरिएबल, मतलब क्या फ्री था ना, मतलब आप उसको वैल्यू दे सकते थे इन नेचुरल सिस्टम, सेट जी इज इक्वल टू 1। ये अब उसने 1 ही क्यों लिखा है, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप जर्नल सॉल्यूशन निकाल के उसके बाद कोई पर्टिकुलर आंसर निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। फिर वो कहता है आपने ये वाई की वैल्यू भी ऑब्टेन कर ली, एक्स की वैल्यू भी ऑब्टेन कर ली, ये तीनों वैल्यूज उसने निकाल के यहाँ पे पुट किए। अब ये आप वो आपको बता रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है इसके और इसके, ये दोनों के ऑर्थोगोनल है। अब इस केस में आपने चेक करने के लिए कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, आप इसका और इसका, इसका और इसका वो निकाल लें इनर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर जीरो आएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये है। अब दूसरा वो कहता है कि इसको आप जो आपने आंसर निकाला है ना, इसको ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर बनाएं, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल या नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज करने का मतलब ये होता है कि इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे वो आएगी √14, ठीक है। तो इसको देखें, इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने से जो है वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं हम अपने वेक्टर को, ठीक है। अपने वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं वेक्टर, ठीक है। मतलब अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर दिए हों, तो आप उनको उनकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके उसको ऑर्थो नॉर्मल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल ये है ना, अब सेकंड कंडीशन में आपने जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली आपका बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, अब बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये मैं अब आपको गेस दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या तरीका है। आप बेसिकली कोई वेक्टर्स दिए होते हैं, आप उन वेक्टर्स को बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में, ठीक है। अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि ये ऑर्थोगोनल आपका सिस्टम को ऑर्थोगोनल बना देगा, और फिर ऑर्थोगोनल से आप ऑर्थो नॉर्मल भी बना सकते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे। मतलब कोई मेरे पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं, उन वेक्टर्स को पहले मैंने ग्राम स्मिथ प्रोसेस की मदद से ऑर्थोगोनल में चेंज करना है, और फिर उन्हीं ऑर्थोगोनल को ऑर्थो नॉर्मल में भी हम चेंज कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या है? ग्राम स्मिथ प्रोसेस ये है कि जिसमें आप ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आप निकाल सकते हैं गिवन वेक्टर्स की मदद से। फॉर एग्जांपल ये U1, U2 और U3 हैं। अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली
U1 और U2 आपके V1 और V2 जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं है। आप इनको प्रोडक्ट ले लेंगे ना तो ये आएगा 1, 2, 4, 5, इसका सम कर लें तो ये आपके पास जीरो तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है। लेकिन हम ग्रैम श्मिथ प्रोसेस की मदद से इनको ऑर्थोगोनल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो महाराज ग्रैम श्मिथ प्रोसेस किस लिए यूज़ होता है? ऑर्थोगोनल में चेंज करने के, वैक्टर्स को ऑर्थोगोनलाइज कर देता है, ठीक है। ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसको कहते हैं ग्रैम श्मिथ प्रोसेस। अब इसको ज़रा आपने ये फार्मूलास याद करने हैं, ठीक है। क्या है, जो वेक्टर्स आपको दिए होंगे उसमें से जो आपने ये जो डब्ल्यू वेक्टर्स होंगे ना ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। गिवन वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल n तक आपके पास गिवन वेक्टर्स दिए हैं, v1 v2 v3 vn, कोई भी n तादाद में आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। vn का मतलब है कि तादाद उनकी n है, 5 वेक्टर्स भी हैं तो vn का मतलब है v5 तक जाना है आपने। तो जितने भी वेक्टर्स दिए होंगे आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जी जो फर्स्ट वेक्टर होगा ना वो एज इट इज़ w के इक्वल आ जाएगा। ये w है ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये v जो आपका दिया होगा उसको आपने पहले w के इक्वल लिख देना है। सेकेंड स्टेप में आपने निकालना है जी w2। w2 कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकलेगा, v2 माइनस v2 आपको गिवन दिया होगा ना। अब आपने v2 और w1 जो आपका पहले दिया हुआ था ये वाला ही, बेसिकली v1 और w1 सेम ही थे ना, अब आपने v2 w1 का इनर प्रोडक्ट निकालना है, w1 का इनर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। और इन दोनों के आंसर्स को डिवाइड करना है, ये नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल ये 5 आता है ये 7 आता है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको w1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और एट द एंड इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास w2 आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आगे हम एग्जांपल्स करेंगे। दोबारा से देखें स्टूडेंट, w1 और v1 क्या होगा, जो पहला वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल में कहूँ तो w1 क्या होगा, ये पहला वाला वेक्टर, ठीक है, w1 v1 के इक्वल ही आ जाएगा। अब w2 जब आपने निकालना है तो उसमें आपने v1 और w1 ही यूज़ होना है, ठीक है, बेसिक और v2 यूज़ होना है। v2 जो आपको दूसरा वेक्टर दिया होगा, ये v1 v2 v3 आपको दिए होंगे, ठीक है। w1 आपने निकाल लिया, ये इनर प्रोडक्ट आपने बेसिकली किस तरह से निकालनी है ये आपको बता दिया गया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट आएगी। और अगर फंक्शंस आ जाएं तो फंक्शंस की फॉर्म में जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से निकलेगी इनर प्रोडक्ट। इसका भी एक नंबर आंसर आएगा, इसका भी एक नंबर आएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद w1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और v2 में से माइनस कर देना, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। w3 निकालना है तो वो उसका तरीका ये होगा, ये वैल्यूज़ आपने निकालनी पड़ेंगी आपको। इसमें भी देखें v3 आपको दिया होगा, नीचे लिखा होगा, ठीक है, v3 भी दिया हुआ, v1 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 w1 w1, ये सारे आपको पीछे दिए हुए थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी v3 आपको अगेन आपने पीछे लिख लिया था, w2 जो आपने अभी पीछे फाइंड किया होगा, ये w2 का इनर प्रोडक्ट और ये w2, ठीक है, ये सिमिलरली इस तरह से चलता रहेगा। अब अगर आप देखें तो अगर आपको n फार्मूला ये लिखा हुआ है n के लिए, ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना, ठीक है। अब देखें, अब अगर मुझे 1, 2, 3 तक निकालना है तो यहाँ तक तो मैं निकाल लूँगा, अगर 4 निकालने हो तो अगर हम इसको जर्नल करें 4 तक कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला देखें ज़रा कैसा कैसे आएगा। पहले 3 से देख के आप 4 वाला बना सकते हैं, ठीक है। w4 कैसे आएगा जी, v3 है तो यहाँ पर v4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर W3 था ना, देखें यहाँ पे जो था वही यहाँ पे था, यहाँ पे भी वही था, ये W2 था, 2 था, ठीक है, और 1 था, ये देखें 3 था, 1 था, तो यहाँ पे इसका मतलब है V4 हो जाएगा, ठीक है। फिर W1 नीचे फिर आ जाएगा जी, W1 यहाँ पे भी आ जाएगा W1। पहला स्टेप तो वैसे ही आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो इसमें ये हुआ कि यहाँ पे V3 आएगा और यहाँ पे 2 आ गए बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस V4 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, W2, ठीक है, ये आ जाएगा जी W2, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट स्टेप में क्या आएगा, अगेन माइनस के साथ आपके पास क्या आ जाएगा जी, V4 के साथ आपके पास आ जाएगा जी W3, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा W3 तक, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इससे एक कम तक जाना है, ठीक है,
जो आपके पास वैल्यू थी ना, देखें ज़रा, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 1 तक गए, यहाँ पे 3 था तो वहाँ पे 2 तक गए, तो यहाँ पे देखें ज़रा, 4 से शुरू किया आपने, पहले 1 आया, फिर 2 आया और फिर 3 तक आए, ठीक है, 4 था ना तो 3 तक आपने आना, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसमें भी अगर आप n की वैल्यू पुट कर देते ना 4, ये फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, देखें ज़रा 4 पुट करें तो देखें क्या आता, v4 माइनस 1, बेशक ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, आगे आ जाता wn 4, n की जगह 4 पुट किया, 1 1 1 1, ठीक है, माइनस अगेन यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे v4 आ जाएगा 2 2 2 2, और नेक्स्ट इसके आगे वाली टर्म में यहाँ पे आप बेशक पुट कर लें 4, ये आ जाएगा 3, फिर ये 3, फिर ये 3 और ये 3, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके w4 भी निकाल लिया, आप 5 6 7 आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जितनी टर्म्स है ना उतनी आएंगी, मतलब 4 है तो आपने उससे एक कम तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, ये देखें ना 3 थी तो 2 टर्म्स आई थी, 4 हैं तो 3 टर्म्स आई हैं, 5 हैं तो 4 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, वो आपके पास W4 तक चले जाएगी 5th वाली टर्म। तो ये फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रोसेस आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, कहते हैं अप्लाई ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस एंड देन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ठीक है, ऑफ 4 सबस्पेस यू ऑफ आर, मतलब वो R4 के उसने आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसके पहले वो कहता है ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकाल लें और फिर उसके ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स निकाल लें। तो देखते हैं जी क्या कर रहे हैं जी हम, पहला स्टेप तो सिंपल था जी, पहले स्टेप में मुझे चूंकि बता दिया था उसने कि आपने पहले स्टेप में V1 को W का नाम दे देना, तो ये V1 को W का नाम दे दिया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में उसने ये फार्मूला था, ये फार्मूला हमारा W2 के लिए था, ये चीज़ किसके इक्वल होती है जी, W2 के इक्वल होती थी, ठीक है, ये फार्मूला था। V2 माइनस V2 मुझे बेसिकली दिया हुआ था पीछे, ये देखेंगे जी, ये V2 भी दिया हुआ है, V3 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा, यहाँ पे आपने बेसिकली स्टूडेंट V2 की वैल्यू पुट कर देनी है माइनस, अब V2 और W1 ये है, ठीक है, और V2 भी आपको दिया हुआ है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेना है, W1 W2, मतलब इसका इसी के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेना और W1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये जब आप ऊपर नीचे इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा और ये W1 वैसे ही आएगा, इसको बेसिकली डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 को W माइनस 3 को W1 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये चीज़ आएगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरी इजी कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल। V2 और W1 क्या चीज़ है, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सिंपली ये भी इनर प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो जस्ट आपने अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके W2 निकाल लिया, अब इस W2 को यूज़ करना है, V1 और W1 यूज़ करना है, मतलब आपने इधर अगेन यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिमिलरली आपके पास W1 पहले ही आ गया, W2 भी आ गया और W3 भी आ गया, ठीक है। तो ये W3 उसी तरीके से आपने निकाल लेना, ठीक है, आप निकालिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ये आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन ना सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लियरली टू ऑब्टेन ये W3 भी आपके पास आ गया, ठीक है। थस W1 W2 ये ऑर्थोगोनल हैं अब, ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस ना आपके जो स्पेस दी हुई थी सब स्पेस उसकी। अब ऑर्थो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इन सब की जो आंसर्स आए हैं ना, W1 इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, W2 की मैग्नीट्यूड निकाल लें, W3 की मैग्नीट्यूड निकाल लें, तीनों की मैग्नीट्यूड निकाल लें जी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1/√4 आएगी ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा 1/√4, ठीक है। तो 1/√4 बेसिकली आपके पास होता है ना, इसकी मैग्नीट्यूड जो आएगी वो 1/√4 आएगी, ये बन जाएगा 2 आएगा खाली, ठीक है। तो इस पूरे वेक्टर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, देखें 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया जी, ऑर्थो नॉर्मल, ये क्या बन गया है जी, ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है। W2 की मैग्नीट्यूड जब आप निकाल लेंगे, तो इसकी मैग्नीट्यूड जब निकाल लेंगे तो उसका स्केयर करेंगे तो वो 10 आएगा, बेसिकली √10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 का स्केयर 4 4 प्लस 2 10, 2 का स्केयर 4 2 का स्केयर 4 8 9 और 1 10, ठीक है। तो ये √10, ये इसकी मैग्नीट्यूड, तो जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे अपने ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल को डिवाइड करना है, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को जब आप डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड पे तो वो ऑर्थो नॉर्मल बन देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फाइनल एक लास्ट चीज़ है जी,
लास्ट हमारा जो आज एक बेसिक डेफिनेशन है, उसके बाद फिर मैं आपको उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने ये आपको पहले भी बताया था, आ रियल मैट्रिक्स पी, रियल का मतलब है उसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है, इज ऑर्थोगोनल इफ पी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिर इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स नहीं निकल सकेगा, तो इन्वर्स निकलना होना चाहिए, ठीक है। अगर तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाए तो फिर वो कहते हैं कि मैट्रिक्स जो पी है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है स्टूडेंट। इन अदर वर्ड्स हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप ये देखें ना इधर, अगर आप इसको इधर ले जाएं तो ये बेसिकली बन जाएगा पी पी, इधर इन्वर्स उधर जाकर पी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चूंकि इक्वल थे तो इनका जो प्रोडक्ट लेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है। अच्छा, अब ये एक रिजल्ट है, कहता है पी ग्रेटर देन द फॉलोइंग स्टेट। अच्छा, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट याद रख लें, अगर पी बी रियल देन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्वल बातें हैं सारी, पी जो है अगर ऑर्थोगोनल है, अगर ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ये ऑर्थोगोनल है, द रोज ऑफ पी फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, मतलब ये जो रोज है ना ये सारी, ये क्या बनाएंगी, ऑर्थोनॉर्मल बनेंगी ये, ठीक है। मतलब इनकी मैग्नीट्यूड भी वन होगी और इनका आपस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें और सॉरी इनर प्रोडक्ट ले लें तो वो भी जीरो होगा, ठीक है। द कॉलम फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल, मतलब रोज, और अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स, तो इसकी रोज और उसके कॉलम दोनों ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, द रोज ऑफ पी आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच ऑफ एंड आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि वो ऑर्थोनॉर्मल भी थे ना, उसने कहा था ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो ये उसने वेरीफाई किए होंगे सारे रिजल्ट, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी लेंथी भी हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बट स्टिल आप इसके सारी चीज़ों के नोट्स बनाएं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो इसी वीक में इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कशन क्लास भी रखेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसमें से डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।